आमतौर पर बैंड बाजों के साथ घोड़ी पर दूल्हे को बैठकर दुल्हन के घर जाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में एक दुल्हन खुद घोड़ी पर सवार होकर बैंड बाजों के साथ नाचते हुए दूल्हे के घर पहुंच गई। दुल्हन के साथ उसके परिवार और रिश्तेदार भी थे जो बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुए चल रहे थे। रतलाम में यह दुल्हन घोड़ी पर बैठकर दूल्हे के घर जाने की शादी श्रीमाली ब्राह्मण समाज के व्यास परिवार में हुई। श्रीमाली समाज में एक अनूठी परंपरा है कि दुल्हन शादी के एक दिन पहले दूल्हे के घर घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजों के साथ अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ पहुंचती है और दूल्हे को शादी के लिए आमंत्रित करती है, और वह घोड़ी जिस पर बैठकर दुल्हन पहुंचती है उस घोड़ी को दूल्हे के घर पर ही छोड़ा जाता है। इसी घोड़ी पर बैठकर दूल्हा दुल्हन से शादी करने के लिए बारात लेकर उसके घर पहुंचता है। हमारे यहाँ पे श्रीमाली ब्राह्मण समाज में रिवाज है कि दुल्हन जिस घोड़ी पे दूल्हे को इनवाइट पूरी बारात के साथ इनवाइट करने जाती है उसी घोड़ी पे दूल्हा बैठ के बारात लेके आता है। तो ये हमारे समाज की परंपरा है जो काफ़ी समय से चली आ रही है, बट अभी वो परंपरा काफ़ी बंद हो चुकी है। सब अपने संस्कार रीति रिवाज भूल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस संस्कार रीति रिवाज और हमारे कल्चर को वापस लाया जाए। काल से ये परंपरा चली आ रही थी, श्री कृष्ण युग से चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को घोड़ी के ऊपर लेके आए थे, उसी परंपरा को हमारे पूर्वज निभाते आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम संस्कृति की ओर जब बढ़ते जा रहे हैं, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर इस परंपरा को जीवित करने के हिसाब से हमने श्रीमाली ब्राह्मण समाज का ये परंपरा को आगे बढ़ाने की नई पहल की। हमारी बिटिया ने भी इसके लिए हमें सहमति दी और इस परंपरा को आगे और भी ब्राह्मण समाज निभाए।